सो गाइस, गुड न्यूज़ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का क्या है नोटिफिकेशन आया है, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा। आपको उससे पहले बता दूं, अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं हर ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन का, डिस्क्रिप्शन लिंक है और फर्स्ट का लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और एक बात आपको पता लग गया होगा, सरकारी नौकरी चाहिए तो विद इन वन ईयर आपके पास बहुत वैकेंसीज आएगा, तो प्रिपरेशन आप जारी रखिए, जॉब लगेगा ही लगेगा। तो ये आ जाइए, इन जनरल इसका वैकेंसी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आता रहता है, बट इस तरह का वैकेंसी पिछले 4-5 साल में मैं देख रहा हूँ अब की बार आया है, ठीक है। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है बेसिकली वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, PSU है। तो प्रोबेशन इंजीनियर का पोस्ट निकला है कितना, 205, और CTC कितना होगा, 12 लाख के आसपास CTC होगा। तो इन हैंड आप लेके चल सकते हो 80-85,000 के आसपास, साथ में आपके पास DA HRA सब कुछ मिलेगा, विच इज़ रियली मेडिकल जो भी है आपके पास फैसिलिटीज़। HR वालों के लिए कितना, 12 पोस्ट है, एंड प्रोबेशनरी अकाउंटेंट्स के लिए कितना है, अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट उसके लिए कितना है आपका, 15 पोस्ट है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस कहाँ रहता है, BTech वाले में। तो कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है मैं आपको दिखाता हूँ, डिटेल बताऊँगा आपको इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच एलिजिबल है जिसमें आपका 125 वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारा जो है मैकेनिकल है, उसके बाद क्या है आपका कंप्यूटर साइंस है, इसमें 18 वैकेंसी है, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी निकलते हैं, बट इसी में इतने वैकेंसी बहुत कम कंपनी में निकलता है, बट BEL क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है तो वहाँ पर तो निकलेगा ही, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। HR का आप देख सकते हैं, आपका जो भी इसका नीड है देख लीजिएगा अच्छे से। आपका जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर कितना, 232 है UR OBC SC ST एंड EWS का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक की पॉइंट आपको बताऊँगा जो इन जनरल मैं देखता नहीं हूँ, इस पोस्ट में जो बच्चे AMI से BTech करे हैं वो एलिजिबल हैं। AMI BTech जिनको पता नहीं आपको बता दूं, वो क्या होता है, पार्ट टाइम BTech होता है बेसिकली, वो एलिजिबल है, बट इन जनरल बहुत कम जगह देखा मैंने एलिजिबल में रखते हैं, बट इसमें एलिजिबल है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर दीज गाइस। कितना परसेंट चाहिए, 60% नंबर चाहिए आपका, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है आपको बताता हूँ, यही ब्रांच एलिजिबल है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, खाली कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर प्रोडक्शन वाला एलिजिबल नहीं है, ऑटोमोबाइल वाला एलिजिबल नहीं है, हालांकि इसका डिटेल और दिखा दूंगा आपको मैं, आपको उससे जानकारी और मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फाइन मार्क्स द क्वालिफाइंग डिग्री हैव डिवाइडेड ग्रेड, जो आपका यहाँ पर परसेंटेज कन्वर्जन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा आपको, और फर्स्ट डिवीजन चाहिए होता है, जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है इसका फर्स्ट डिवीजन चाहिए होता है इसमें, बेसिकली फर्स्ट डिवीजन है जो उसका काम बन जाएगा, वो एलिजिबल है, ठीक है। और बाकी छूट भी मिलता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। एज लिमिट कितना होना चाहिए, 25 साल, और डेट रेफरेंस कब लेंगे, 1/9/2023 लेंगे रेफरेंस आपका। आगे बढ़ते हैं जी, इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करेगा आप लोग के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, मैं आपको बता दूंगा क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, जो इसमें है नहीं मैं आपको बता दूंगा, प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है मेरा उससे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये EWS है, उसके बाद जो पर्सनल डिसेबिलिटी है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, 232 पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट यहाँ पर है। पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, इन इन जगह पर पोस्टिंग मिलेगा। तो लोकेशन मेरे को तो सारा ठीक ठाक लगा, कर्नाटका में मिलेगा, गाज़ियाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मछलीपत्तम मतलब आंध्र प्रदेश में है, पंचकूला हरियाणा, कुतवारा, उसके बाद आपका नई मुंबई, ये पोस्टिंग है। लास्ट डेट कब है, 28/10/2023 को लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, 1,000 रुपया, एज वेल जो फ्री होता है आपका, मतलब फीस एग्जेम्प्टेड होते हैं आपका, वो तो रहता है। कौन कौन से कैटेगरी आप यहाँ पर दिखेंगे, SC ST PWBD ESM, ESM मतलब एक्सर विस्मैन मेरे हिसाब से। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पर डेफिनेटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, मतलब आपका टेस्ट होगा, CVT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका DV होगा, फिर जॉब लगेगा, ठीक है।
तो उसके बाद आप बोलेंगे सर टेस्ट कैसे होगा। देखो भाई टेस्ट आपको बताया हूँ, इसमें बेसिकली क्या है, आपका सेंटर चूज करना पड़ेगा। आपको बहुत से सेंटर्स आपको देंगे, उस वहाँ पर टेस्ट होगा। टेस्ट में दो पार्ट रहेंगे, आपका जो ब्रांच है उससे क्वेश्चन आएगा और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा। जो प्रीवियस के आपको बता रहा हूँ आपको बता दूंगा, वो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें हैं तो आपको बता दूंगा। अप्लाई कहाँ से करना है आपको, आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर दिख रहा है बेसिकली अप्लाई करने के लिए, वो खुल गया है, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ठीक है, काम आ जाएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और कोई कॉपी उनको सेंड करने का जरूरत नहीं है। ये क्या क्या चाहिए आपको बता रखा है भाई, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए, ये आप लोग को पता होगा जो जो फॉर्म भरते हैं बेसिकली। और ये इमेज है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है इसका फॉर्म भरने के लिए नीचे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। ये आपको बताना था मुझे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर क्या था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। सो जनरल कैटेगरी ओबीसी, जो भी आपका मिनिमम स्कोर कितना 35% होगा सीबीटी का एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और इनके लिए कितना होगा आपका 30%। सो जो बेस्ड ऑन सीबीटी होगा उसके बेस पर बुलाया जाएगा बच्चों को, मतलब सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1/5। तो लगभग हज़ार कितना चाहते हैं, मतलब 1100-1200 बच्चों को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके हिसाब से जॉब लगेगा इनका। इसमें सर्विस बॉन्ड तो सब जगह होता है आपका, ठीक है, 3 लाख का है बेसिकली यहाँ पर। और आगे हम बात करेंगे इसमें और कुछ है, ये सर्टिफिकेशन वगैरह है 19 पेज का। हाँ, ये आपका बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर है, स्टेट वाइज देख पा रहे हैं, सारे सेंटर है आपका, हर स्टेट में सेंटर आपको मिल जाएगा, आप देख पा रहे होंगे पूरा लिस्ट। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF डाल दूंगा। उसके बाद आपका ये कैटेगरीज देख लो, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा एक, ये देखो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा यहाँ पर बताया गया है डिटेल में। उसके बाद क्वालिफिकेशन, जनरल में फर्स्ट क्लास चाहिए है, ओबीसी में फर्स्ट क्लास, ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट क्लास, बाकी सारे में पास है तो चल जाएगा, पास होना चाहिए आपका। फीस कितना लगेगा बता रखा है अच्छी तरीके से। अब ब्रांच का देखो, बहुत सारे बच्चे बीटेक में एडमिशन लेते हैं, बेचारे को पता नहीं होता, वो फंस जाते हैं। यहाँ पर देखना होता है कौन कौन से ब्रांचेस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, हालांकि PSU गवर्नमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट जैसा होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे एलिजिबल हैं, मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल एलिजिबल है, प्रोडक्शन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ऑटोमोबाइल एलिजिबल नहीं, कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बाकी कोई भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है जो बता रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाकी सारे बच्चों के लिए जानना है चीज़ें, ठीक है, लोग कोई और ब्रांच ले लेते हैं, इसलिए बहुत सारे ब्रांचेस मैंने जब बताया था एक बार, हालांकि आप लोगों को उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बट हो सकता है एक दो वीडियो बच्चा देखे, मैंने बताया था CS रिकमेंडेड है, नहीं मिलता तो IT लेना, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। सो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपका नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा। देखो भाई सिलेबस इसका जो 2018 में हुआ था, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, 2014 में हुआ था इसका एग्ज़ाम, मेरे कुछ दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था इसका, हालांकि उनका हुआ नहीं था एग्ज़ाम क्रैक, है ना। सो सिलेबस क्या रहने वाला आपका, जो भी आपका डिसिप्लिन है उसका गेट का सिलेबस को फॉलो कर लो हर चीज़ के लिए। इसमें दो पार्ट होते हैं कि हर जैसे क्यों बता रहा हूँ, गेट का सिलेबस कम्प्लीटली फॉलो करना है आपको, रीज़न आपको बता रहा हूँ पहला और दूसरा। पहला रीज़न क्या है आपका, इसमें दो पार्ट आएगा, आपका डिसिप्लिन जो आपका ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा पहला, दूसरा कह रहा है आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। ये मैच किससे करता है भाई, गेट से मैच करता है पहला। दूसरा चीज़ आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेंगे भैया, क्वेश्चन का लेवल रहेगा SSC JEE जैसा, क्वेश्चन कितने आएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या था आपका, लगभग 20 से एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल होता है, 30 नंबर के आसपास आता है आपका एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है कभी कभी, और बाकी रहता है टेक्निकल। तो टोटल इसमें क्या होते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 150 टोटल क्वेश्चंस रहते हैं। मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज दूंगा, तैयारी करूँगा इसके लिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कितने को टेस्ट सीरीज मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करें। 150 क्वेश्चंस आपके रहते हैं इसमें, मैकेनिकल का टेस्ट तो देंगे दैट इज़ फॉर श्योर, बाकी ब्रांच का हम देखते हैं। 150 क्वेश्चंस रहेंगे टेक्निकल के, ठीक है, 150 क्वेश्चंस में आपका टाइम कितना मिलेगा, सिर्फ 150 मिनट मिलेगा, मतलब 2.5 घंटा, 2.5 आवर टाइम मिलेगा, मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है,
हालांकि 2014 में जो पैटर्न था 2018 में चेंजेस हुए थे, तो ये अब की बार क्या चेंज करेंगे बताना मुश्किल है, बट गेट का सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हो। और मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है गेट का सिलेबस का, वहाँ से क्वेश्चन 2018 में ठीक ठाक नंबर का आया था। तो ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।